हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के माध्यम से समस्त ब्लॉकों में, जी हाँ दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ के समस्त 17 ब्लॉक और एक नगर क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं से दोस्तों सूचना आमंत्रित की जा रही है। और ये सूचना दोस्तों दीक्षा ऐप के इंस्टॉलेशन और उसका टीचिंग और ट्रेनिंग में इस्तेमाल से संबंधित है। दोस्तों, माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का ये निवेदन है, ये आग्रह है, ये उनका संदेश है कि समस्त शिक्षक भाई बहन, अभी लखनऊ से, हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से IVRS के माध्यम से आपसे सूचनाएँ मांगी जा रही हैं कि क्या आपके द्वारा दीक्षा ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ या नहीं। हाँ हो तो एक दबाएं, नहीं हो तो दो दबाएं। तो माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से भी ये सूचनाएं जिलावार दोस्तों संकलित की जा रही हैं। हमारे प्रतापगढ़ जनपद के माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अशोक कुमार सिंह जी का ये आदेश है कि समस्त ब्लॉकवार सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित कर ली जाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे समस्त शिक्षक भाई बहनों से संबंधित है जो कि दीक्षा ऐप का को इंस्टॉल करके ना केवल ऑनलाइन टीचिंग का काम कर रहे हैं बल्कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी पंजीकृत हो चुके हैं। आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि ये सूचना आप कैसे प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जब आप जाएंगे, उसे आप प्रेस करेंगे तो गूगल डॉक्यूमेंट्स एक ओपन करके खुल के आएगा और हम बताते हैं कि कैसे आपको करने हैं। एकदम सरल, सुगम और सहज तरीके से दोस्तों हम आपको बताते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। वहाँ पे आपका विषय है दीक्षा ऐप डाउनलोड कर शिक्षण और प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों की ब्लॉकवार स्थिति। आप दोस्तों बखूबी दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं और उसका ना केवल टीचिंग में बल्कि ट्रेनिंग में भी अपने आप को दोस्तों, आप दीक्षा ऐप में जो भी वीडियोस हैं उसके माध्यम से ना केवल आप उसका लिंक अपने बच्चों को दे रहे हैं बल्कि आप उन वीडियोस को देख करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने को एनरिच कर रहे हैं। और दीक्षा ऐप पे इस समय प्रशिक्षण के भी डोमेन खुले हुए हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वही सूचना दोस्तों हमें चाहिए। तो यहाँ पे विषय है दीक्षा ऐप डाउनलोड कर शिक्षण और प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों की ब्लॉकवार स्थिति। पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, क्या आपने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया है, हाँ या नहीं। तो दोस्तों, जो संबंधित है उसे आप करें। और मेरा तो ये मानना है कि हमारे शिक्षक भाई बहन दीक्षा ऐप को डाउनलोड किए हैं तो हाँ में ही करेंगे, टिक। आगे चलते हैं, क्या दीक्षा ऐप का इस्तेमाल आपके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण हेतु किया जा रहा है, हाँ या नहीं। उचित प्रतिक्रिया दोस्तों दें। यहाँ तो पहला ये जो प्रश्न है कि क्या दीक्षा ऐप का इस्तेमाल आपके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण यानी ऑनलाइन टीचिंग में किया जा रहा है, तो आप दोस्तों करेंगे हाँ। क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आपके द्वारा दीक्षा ऐप का प्रयोग किया जा रहा है यानी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप रजिस्टर्ड हुए? तमाम ब्लॉकों में शिक्षक भाई बहन सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मोस्टली स्क्रीनशॉट से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, बट एक पूरा का पूरा समेकित डाटा चाहिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सूचना देनी होगी, ये अनिवार्य है। क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आपके द्वारा दीक्षा ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, जी हाँ। आगे चलते हैं दोस्तों, अपना ब्लॉक चुनें। आप दोस्तों अपना ब्लॉक चुन सकते हैं। अगर आप आसपुर देवसरा से हैं तो आप यहाँ पर हिट करेंगे, पट्टी से हैं तो दोस्तों यहाँ पर, मंगरौरा हैं तो आप यहाँ पे, ये जो सर्कल दिया गया है इसी पे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो भी रेस्पॉन्स है दोस्तों वो शामिल हो जाएगा। बाबा बिलखरनाथ धाम, गौरा, शिवगढ़, सदर, सणवा, सांगीपुर, लक्ष्मणपुर। आगे चलते हैं, जिस ब्लॉक से दोस्तों आप संबंधित हैं
प्लीज़ सर्कल में हाथ रखें तो प्रेस करें तो वो शामिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानधाता, बाबागंज, बिहार, काला काकर, रामपुर, संग्रामगढ़, कुंडा, लालगंज और अंतिम यानी हमारा 17 ब्लॉक और एक नगर क्षेत्र। अब आते हैं शिक्षकों से संबंधित प्रश्न है, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसका नाम लिखें, शिक्षक का नाम, जो भी शिक्षक भाई बहनों अपना नाम लिखें, आप असिस्टेंट टीचर हैं या हेडमास्टर हैं वो अपना पदनाम लिखिए। दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा, क्योंकि तमाम जो प्रशिक्षण का प्रारूप नया हो रहा है उसमें आपकी दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। अभी आपने निष्ठा का प्रशिक्षण लिया है, बिना इसके आप प्रशिक्षण में दोस्तों पंजीकृत भी नहीं हो सकते थे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आप दोस्तों अपना ईमेल आईडी भी लिखिए और उसके बाद दोस्तों ये सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप सबमिट कर दीजिए। आपका रिस्पॉन्स माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक दोस्तों पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये निवेदन है ब्लॉक स्तर पे, जनपद प्रतापगढ़ में समस्त ब्लॉकों में जो कार्यरत हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनसे भी एक निवेदन है कि माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ये जो संदेश है उसको अपने ब्लॉक में दोस्तों प्रचारित प्रसारित करें, शिक्षकों को अभिप्रेरित कर इस सूचना के संकलन में दोस्तों मदद करें। अजय प्रकाश दुबे, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये मेरा निवेदन है, सभी से निवेदन है, चाहे हमारे शिक्षक भाई बहन हों, एआरपी हों, एसआरजी हों और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हों, सभी से निवेदन है कि माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की इस मुहिम में आप दोस्तों सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक दोस्तों प्रेषित हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना, लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।